बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो ऐसी ही रही जैसा फिल्म का नाम है। इस मूवी के बाद किंग खान कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिए, लेकिन अब बॉलीवुड के बादशाह एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। शाहरुख खान की आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली हैं। तो आइए आज हम जानते हैं शाहरुख खान की टॉप 5 अपकमिंग मूवीज के बारे में। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है पठान। ये तो सबको पता है कि शाहरुख खान जॉन और दीपिका की हाई बजट फिल्म पठान अगले साल 23 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। इस मूवी में शाहरुख खान मैन लीड और जॉन विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है डंकी। मुन्ना भाई, MBBS, PK, संजू और 3 इडियट्स जैसी धांसु फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान पहली बार काम कर रहे हैं, जिसे लेकर शाहरुख खान काफी एक्साइटेड हैं। यह मूवी अगले साल 23 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस मूवी को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा में भी शाहरुख खान केमियो करते नजर आने वाले हैं। यह मूवी इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होगी। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है ब्रह्मास्त्र। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पहली साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट इसी साल 9 अगस्त को रिलीज होगा। खास बात यह है कि इस फिल्म में नागार्जुन, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर के साथ शाहरुख खान भी केमियो करते नजर आने वाले हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस मूवी में शाहरुख खान, आर माधवन और साउथ एक्टर सूर्या के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। यह मूवी इसी साल 1 जुलाई को रिलीज होगी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी मूवी का इंतजार कर रहे हैं।